दोस्तों नमस्कार नमस्कार। इस सेमिनार में आए सभी हमारे स्पेशल गेस्ट अमित जी, नरेंद्र जी और भी जो दूर दूर से सभी लोग, सभी अचीवर्स, जो अचीवर्स नहीं है वो भी, सभी मेरी बहनें, माताएं और सभी लोगों का मैं खास धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोग इस सेमिनार में आए और यहाँ पर आने की, आपने आने के बाद जो शोभा बढ़ाई है उसकी, उसका मतलब कोई जवाब नहीं है। मजा आ गया? Yes! आपको आया? Yes! मुझे तो आ गया। आया कि नहीं आया? आवाज नहीं आ रही। आ रहा है। मजा आया? चलो, इस सेमिनार में बहुत सारी चीजें हुई और बहुत बहुत अच्छी हुई। और पहला सेमिनार ऐसा है जो खुले आसमान के नीचे हो रहा है। आज हम भगवान को भी दिखा रहे हैं कि सर देखिए कि हम चैंपियंस में कितनी ताकत है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे जो मेरी स्पीच रहेगी उसमें आप सबको बताया जाएगा कि आगे हम लोग और क्या करने जा रहे हैं, क्या प्लानिंग्स हैं, कुछ खुशखबरी आप लोगों के लिए भी आने वाली है। लेना चाहते हो खुशखबरी? आवाज अभी भी कम आ रही है। चलो देंगे। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि यहां पे चैंपकेश के अंदर चैंपकेश बिजनेस क्या है, हम पहले वो जाने कि हम चैंपकेश क्यों कर रहे हैं और हम यहां पे क्यों आए हैं। हो सकता है कि आपका कोई दोस्त आपको पकड़ के ले आया हो सकता है आपका भाई आपको पकड़ के ले आया हो, आप चैंपकेश को नहीं जानते थे यहां से आने के पहले। पर मेरा ये मानना है कि यहां से जब जाओगे ना तो ये इस ट्रॉफी का सपना लेकर इससे नीचे नहीं जाओगे। क्या मैं सही कह रहा हूं? यहां का एक एक व्यक्ति जो भी आज यहां से जाएगा वो इस चैंपियन की ट्रॉफी के नीचे सपना नहीं लेके जाएगा, ऐसा हम सभी ने संकल्प करके जाना है यहां से। क्या करोगे? करोगे? नहीं हो जाएगी, करोगे? देखिए अगर आपकी आवाज में जोश लगता है ना तो मेरे में डबल जोश आता है, ठीक है? तो जोश घर के यहां से हमने जाना है। हमें अपने अंदर एक ऐसा जोश पैदा करना है, एक ऐसा उत्साह पैदा करना है कि हमें अपने आप पे भी गर्व हो और यहां से हम जब जाएं तो जितने भी लोग यहां से, पहले तो हम करनाल से जब जाएंगे पहले ऑटो रिक्शा पकड़ेंगे, ऑटो रिक्शा वाले को भी ज्वाइन कराते जाए, रेलवे स्टेशन में भी सबको ज्वाइन कराते जाए, रेलवे बैठ के, बस में बैठ के, किसी भी एक बंदे को नहीं छोड़ना आप लोगों ने। करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल। यही चैंपियन अगर बनना है ना तो इस चीज को मत छोड़ना। जिस दिन आप अपने पहले लेवल पे काम करना छोड़ दोगे वो सोच लेना चैंपियन की ट्रॉफी आपसे उतनी दूर चली जाएगी। हमें, हम चाहे डायमंड अचीवर बन जाए, चाहे क्राउन डायमंड बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, हमें कभी ये नहीं सोचना कि यार मैं तो बड़ा आदमी बन गया, ऐसा कुछ नहीं। मैं खुद भी लेवल वन पे अपने ज्वाइनिंग लगाता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कंपनी में ही ज्वाइनिंग आती होगी। मेरे अभी फ्रेंड्स आए थे पीछे लास्ट वीक, तो वो ज्वाइन नहीं था चैंपकेश के अंदर, तो मैंने बताया वो, मतलब उसको पता भी नहीं था इवन कि चैंपकेश क्या है, कैसे है, मैंने समझाया, उसने बोला कि यार ऐसे ही होगा, कुछ नहीं होगा। फिर उसे दिखाया, अपने सेमिनार की फोटोज दिखाई, न्यूज की क्लिपिंग्स दिखाई, सब चीजें दिखाई। मतलब इश्यू पता है कहाँ होता है कि सबसे पहले हमारे अपने ही विश्वास नहीं करते हमारे ऊपर, जो हमारे अपने, मतलब हमारे जानकार, हमारे दोस्त, हमारे सगे संबंधी, अगर हम उनको प्लान देने जाते हैं ना वो सबसे पहले तो भाई
ठीक है, उसके बाद जब उसको दिखता है ना फिर आप दूर कि पहले तो आए नहीं हम क्या, ठीक है। पर चैंपियनशिप एक ऐसा बिजनेस है, यहाँ पे चाहे आ जाओ चाहे कल आओ चाहे 10 साल बाद आओ, आपके लिए हमेशा रास्ते खुले रहेंगे, दरवाजे खुले रहेंगे। आई एम राइट, क्योंकि एकमात्र 1 से 1.5 साल के अंदर जो कंपनी 1.25 करोड़ लोगों को जोड़ सकती है, 1.25 करोड़ लोगों के फोन में ऐप इंस्टॉल करके उससे अर्निंग करा सकती है, तो आने वाले 5 साल बाद क्या होगा? हमारा मोटिव सिर्फ लोगों को जोड़ना नहीं है, हमारा मोटिव ये है लोगों को अपने साथ जोड़ के बांध के उनको एक रोजगार देना। सच में मुझे बहुत दुख होता है जब फ्रॉड कंपनीज के झांसे में लोग आते हैं, मतलब लोगों को मैं बहुत समझाता हूं, मैं बहुत बार बोलता हूं कि यार मत करो, पैसा लेके भाग जाएगी। मतलब मेरे एक जानकार हैं और बहुत अच्छे सीनियर गवर्नमेंट जॉब पर हैं और चैंपियनशिप में भी आए हुए थे, ऑलरेडी वेरी मोटिवेटेड फ्रॉम चैंपियनशिप। तो उन्हें किसी कंपनी का प्लान दिया गया और उनके दोस्त ने दिया, और उनका दोस्त बोल रहा है कि मैं तो यहाँ से 5 लाख रुपए महीना कमाने लग गया। तो कह रहा है तुम्हारे चैंपियनशिप में गया कुछ नहीं। मैं कहा चलो सर कोई बात नहीं, 6 महीने बाद बात करेंगे। पिछले हफ्ते फोन आया समझ गए, समझदार को इशारा काफी है। तो दोस्तों बहुत दुख होता है, 5 लाख रुपए उसके भी डूब गए, कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो हमें एक ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ना है, हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ आगे बढ़ना है जिसमें हमें अपना करियर अच्छा दिखता हो। हमें पता है कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल वर्ल्ड की आने वाले समय में क्या हैसियत होने वाली है। आज से 2 साल पहले एंड्रॉयड फोन आज अगर 100 लोगों में से 70 लोगों पे है तो उस टाइम 20 से 30 लोगों पे हुआ करता था। आने वाले 2 साल बाद जो टेक्नोलॉजीज आने वाली है ना वो बहुत जबरदस्त आने वाली है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि एड्स खत्म हो गई है, एडवर्टाइजर्स खत्म हो गए हैं, नहीं, वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइजर से अभी लास्ट मंथ मैं जब बैंकों गया था तो उस वक्त पे भी हमारे बहुत बड़े एडवर्टाइजर से बात हुई थी और अब हमारा जाके वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ है। और अगले एक महीने तक आप देखेंगे कि जितनी भी आपकी इंटरनेशनल टीम है उसको खुश करने की गारंटी मैं लेता हूं। मतलब हमारा मोटिव ये है यहां से कि हम बिना पैसा लगाए एक ऐसा रोजगार का साधन बन जाए जिससे हम एक ऐसी मिसाल बने कि लोग हमें बोले कि यस ही इज अ चैंपियन चैंपियन। आज अगर आपका दोस्त आपको देख के कहता है चैंपियन कर रहा है कुछ नहीं है, वो आपके घर जाए और आपसे बोले कि सर मेरे को भी चैंपियन में ज्वाइन करो। ऐसा होता है, ये जितने भी डायमंड और प्लेटिनम अचीवर्स है ना ये इनके साथ ये बीत चुका है ऑलरेडी, गोल्ड प्लेटिनम डायमंड इवन सिल्वर भी। मतलब लोग सोचते हैं कि यहां से कुछ नहीं आता होगा और जाहिर सी बात है सोचना भी चाहिए क्योंकि फ्रॉड कंपनी बहुत सारी चल रही है। मैं नहीं मानता चैंपियनशिप का कंपैरिजन किसी भी कंपनी से किया जा सकता है, चैंपियनशिप के नाम पर बहुत सी फ्रॉड कंपनीज भी शुरू हो चुकी है जो बोलते हैं कि हम चैंपियनशिप से बेटर है, तो उन कंपनीज के झांसे में कभी नहीं आना। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम यहां पर आए हैं तो हमें अपने आप के अंदर एक ऐसा विश्वास पैदा करना है, एक ऐसी अपनी सोच बनानी है कि यस आई कैन। अगर हमने अपने अंदर यस आई कैन डाल दिया तो आपको कोई नहीं रहा पाएगा। अगर हम आज से यही सोचने लगे यार मैं नहीं कर सकता है काम तो इम्पॉसिबल है, तो अगर पॉसिबल भी होगा तो भी नहीं होगा। हमें अपने अंदर ऐसा 1% भी ऐसी सोच नहीं डालनी कि मैं नहीं कर सकता, अगर कोई काम है तो वो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल इज नथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये याद रखना। मैं आपको कुछ बताता हूं, जब मैं 8 साल का था तो
साल के होने पे जब मैं छोटा सा था मेरी हाइट नहीं बढ़ रही थी और मैं मोटा होता जा रहा था, आंखें सूजने लग गई थी, मैं खाना नहीं खा पाता था, अगर मैं आधी रोटी भी खाता था तो वॉमिट कर देता था। मुझे उसके बारे में फैमिली को भी नहीं पता था कि उस टाइम पे अवेयरनेस नहीं थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। करनाल के काफी डॉक्टर्स को दिखाया कि ऐसा हो रहा है, दवाई दी, कुछ नहीं हुआ। एम्स में गए कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहां जाके ये पता लगा कि मुझे एक ऐसी बीमारी थी जिसको थायरोनो बोलते हैं, ठीक है, थायराइड जिसको बोलते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम। टीएसएच लेवल मेरा बढ़ा हुआ था, इस वजह से ये प्रॉब्लम थी। और उसके कारण होता क्या था कि मैं 8 साल से, जब भी मैं, मतलब 8 साल से पहले मैं क्लास में भी हमेशा फर्स्ट कभी आया ही नहीं, लास्ट में ही रहता था हमेशा, ठीक है। और मतलब प्रॉब्लम के कारण हो सकता है या किसी भी कारण से कह सकते हो। और पापा मम्मी मतलब स्कूल के अंदर भी टीचर से सिफारिश लगाते थे कि इसको ऐसी प्रॉब्लम है, इस वजह से कि ये ऐसा हो सकता है कि इस वजह से इसका पढ़ाई में मन ना लगता हो, हो भी सकता होगा। पर इलाज शुरू हुआ उसके बाद जब मैंने 10th पास की, 10th में भी मेरे कुछ खास नंबर नहीं आए, पास हो गए बस बहुत है। उसके बाद 10वीं के बाद जब मैं स्कूल से निकला ना, उसके बाद मैंने ये सोच लिया कि यार अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को एक ऐसा इंसान बना के दिखाना है कि दुनिया बोले कि यस यार ये बंदा है जो सामने का। और आज सच में प्रभु, तो मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आज आप यहां से, अगर कोई भी व्यक्ति अगर यहां पे आया हुआ है, अगर वो सोच लेगा ना कि यार मैं नहीं कर सकता, तो कोई फायदा नहीं है, आप यहां से चले जाएं। आप अपने माइंड में सिर्फ इतना सोच लेना कि यस आई कैन डू इट। अगर आपने यस आई कैन डू इट सोच लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको चैंपियन बनने से नहीं रोक सकती मेरे दोस्तों। yes! और खुशखबरी भी बता देता हूं, पहले माई शॉप की बात करते हैं। आप सभी को पता है कि माई शॉप कितना बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है आने वाले समय का। माई शॉप इज इक्वल टू फ्लिपकार्ट अमेजोन, ठीक है। माई शॉप के साथ सेलर्स से कॉन्टेक्ट किया जा रहा है और उसके लिए आपको बताया भी जा रहा है कि अगर कोई भी पर्सन चैंपकेश माई शॉप से जुड़ना चाहता है तो वो myshop@chempkesh.com पर अपने प्रोडक्ट्स मेल करें विद द बेस्ट प्राइस, मतलब कम से कम प्राइस पे, ताकि हम लोग आप लोगों को वो मार्केट के दाम से कम में दे सकें। हमारे साथ धीरे 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 प्रोडक्ट्स आने शुरू हो चुके हैं। क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? कपड़े, शूज, इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि चार्जर, पेनड्राइव, इस तरह के ढेरों प्रोडक्ट्स आने वाले टाइम में चैंपकेश की माई शॉप में आप लोगों को दिखेंगे। और चैंपकेश का माई शॉप एक ऐसा ई कॉमर्स पोर्टल बनने वाला है मेरे दोस्तों, जिसमें दुनिया की कोई ताकत भी उसको नंबर वन बनने से नहीं रोक पाएगी। जिस कंपनी के साथ 1 करोड़ लोगों का साथ हो, जिस कंपनी के साथ पहले ही 1 करोड़ लोगों का साथ हो, उसको वैसे भी कौन रोक सकता है। और आप सभी लोग तो मेरे भाई हो, मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं दिल से प्यार करता हूँ। आप सभी लोग आज यहाँ पे आए हैं, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद क्या इससे बड़ी खुशखबरी भी सुनना चाहते हैं? क्या ज्वाइनिंग इनकम फिक्स करते हैं? देखिए, आज के समय में बहुत से, मतलब पहली बात है, चैंपकेश एक मनी जनरेशन कंसेप्ट है। यहां पे हमें एडवर्टाइजर पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, पर कंपनी ने एक ऐसा कैलकुलेशन निकाला है कि जिससे किसी भी व्यक्ति को जीरो नहीं मिलेगा। मतलब किसी भी व्यक्ति को जो अभी जीरो आता है
अगर आप आईडी एक्टिवेटर का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपको जीरो नहीं मिलेगा। आईडी एक्टिवेटर का प्रयोग करोगे तो जैसा मिल रहा है वैसा मिलेगा, चाहे उसके 20 रुपए मिले, चाहे 50 मिले, चाहे जीरो मिले। विदाउट आईडी एक्टिवेटर हम लोग उसकी इनकम एक फिक्स करने जा रहे हैं, और 1 मार्च से आप लोगों को फिक्स इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाएगी मेरे। yes! क्या मजा आया ये चीज सुन के। 320 पॉइंट बांटे जाएंगे 7 लेवल में। जब एक व्यक्ति से जब हम शादी टोक के कह सकते हैं कि भाई तो ज्वाइन होगा तो कम से कम 10 रुपए गारंटी देने की मैं बात करता हूँ। आप सभी लोग जब मेरे मैं आपके सामने खड़ा होता हूँ ना, मतलब मजा आ जाता है। आपको आता है? मतलब ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं कहाँ खड़ा हूँ, मतलब आसमान में। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ यहाँ पे टाइम हमने व्यतीत किया। आप सभी लोग दूर दूर से आए, और दोस्तों वो मैं वही बात दोबारा से कहूंगा, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, कभी भी नहीं है। और नेटवर्किंग की दुनिया में तो इम्पॉसिबल का नाम ही नहीं है। नेटवर्किंग की ताकत एक ऐसी ताकत है जिसमें कोई भी व्यक्ति फर्स्ट से अर्श तक मात्र 6 महीने में पहुंच सकता है। और इतने सारे एग्जाम्पल्स है हमारे पास, 4-4 महीने में प्लेटिनम अचीवर बनने वाले। मैं चाहूंगा अपने सभी अचीवर्स के लिए एक बार जोरदार ताड़ियां लगाएं, और एक बार जय चंकेश, जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। तो दोस्तों यहीं पे मैं अपनी स्पीच का अंत करूंगा, पर अभी जाना मत, गोल्ड सिल्वर अचीवर्स को सम्मानित किया जाना है, प्लैटिनम अचीवर्स को सम्मानित किया जाना है।